हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन इन टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था पावर शेयरिंग, उसका सेकंड पार्ट। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और जिसके अंदर हमने श्रीलंका के बारे में देखा था। तो आज का जो सेकेंड वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेल्जियम के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, बेल्जियम हालांकि आपकी एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, तो बेल्जियम सब देखो, जैसे लास्ट क्लास हमने श्रीलंका के बारे में देखा था कि श्रीलंका आपका फिजिकली वर्ल्ड मैप पे कहाँ है, उसकी पॉपुलेशन क्या है, उसकी जो पॉपुलेशन है कैसे कैसे वो आपके अलग अलग लैंग्वेज में डाइवर्सीफाई है। इस तरह से हम बेल्जियम के बारे में भी देखेंगे कि बेल्जियम एग्जैक्टली आपका वर्ल्ड मैप पे कहाँ है, इसकी पॉपुलेशन कैसी है और इसकी पॉपुलेशन किस किस रीजन में किस तरह से डिवाइडेड है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहला पार्ट यहाँ पे बेल्जियम के बारे में क्या कहता है कि बेल्जियम इज अ यूरोपियन कंट्री विच शेयर इट्स बाउंड्रीज विद द फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड द लक्जमबर्ग। ठीक है, इसके अंदर आपका ये कहा गया है कि जो आपका बेल्जियम है, बेसिकली जो आपका बेल्जियम है, बेल्जियम आपका एक यूरोपियन कंट्री है, मतलब यूरोप कंटिनेंट का एक कंट्री है जो, और बेल्जियम की जो बाउंड्रीज है वो किस किस अदर यूरोपियन कंट्री के साथ शेयर होती है वो भी यहाँ पे बताया हुआ है कि बेल्जियम के आसपास जो अदर यूरोपियन कंट्री है जिसके साथ इसकी बाउंड्री लगती है या फिर जिसे आप इसका पड़ोसी देश कह सकते हो, वो आपका फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है एंड लक्जमबर्ग है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई जो आपका बेल्जियम वर्ल्ड मैप में कहा है, सिंपल चीज है, बेल्जियम आपका एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप कंटिनेंट का एक कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे कहता है कि बेल्जियम की पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेसिकली बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ है, 1 करोड़ सब इंक्रीज हो गई है, लगभग 1.25 करोड़ पॉपुलेशन अब बेल्जियम की इस वक्त है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बेल्जियम की जो कैपिटल है वो आपकी ब्रुसेल्स है। ठीक है, अब देखो ये तो छोटी मोटी बात है कि बेल्जियम आपका बेसिकली कहाँ पे है, इसकी पॉपुलेशन क्या है, इसका कैपिटल क्या है, ये सारी बातें। अब जो मेन बात है हम वो स्टार्ट करते हैं जिसके वजह से इसका जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी टिपिकल बनता है पॉपुलेशन की वजह से। तो देखो, जो बेल्जियम का पॉपुलेशन है, देखो ऑब्वियसली बात है, चाहे आपका श्रीलंका हो, इंडिया हो, फिर कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे आपके एक ही कम्युनिटी या फिर एक ही लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन, एक ही कास्ट के नहीं होते, कुछ ना कुछ उनमें कॉम्पोजिशन होता ही है, कुछ ना कुछ उनमें डाइवर्सिफिकेशन होता ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है उसकी क्या डाइवर्सिफिकेशन है, बेल्जियम के पॉपुलेशन में कौन कौन से कितने कितने लोग रहते हैं वो हम देखते हैं। और जो दिक्कत परेशानी होती है वो यहीं से चालू होती है किसी भी कंट्री के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है कि जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है उसमें डच स्पीकिंग 59% लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग 40% है और जो जर्मन है वो 1% है। मतलब बेल्जियम की जो भी पूरी पॉपुलेशन है तो पूरी पॉपुलेशन का 59% लोग जो है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और बाकी जो आपके 1% बच गए वो आपके जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई पॉपुलेशन को, बेल्जियम की पॉपुलेशन कौन सी कितनी लैंग्वेज बोलती है, अब ये रहते कहाँ का है वो भी हम देख लेते हैं। तो जो डच स्पीकिंग 59% लोग हैं वो आपका फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं। ठीक है, और 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज है वो आपका वोलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं और जो जर्मन है वो आपके ईस्ट साउथ, मतलब जो आपका बेल्जियम का जो एरिया है उसके ईस्ट साउथ के अंदर थोड़ी सी जगह पे वो रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम यहाँ पे मैप देखें तो इस मैप में आप देख सकते हो कि 59% का जो ये वाला हिस्सा है ये आपका फ्लेमिश का हिस्सा है जिसके अंदर डच रहते हैं। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा है फ्रेंच स्पीकिंग का हिस्सा है जिसके अंदर जो आपका वोलोनिया रीजन के अंदर आ जाता है, तो इसके अंदर आपके फ्रेंच के लोग रहते हैं और बाकी ईस्ट साउथ का थोड़ा सा हिस्सा है जिसके अंदर आपके जर्मन के लोग रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये देख लिया कि भाई फ्रेंच जो आपके बेल्जियम के जो लोग हैं वो किस तरह से आपके बटे हुए हैं। देखो ऑब्वियसली बात है बेल्जियम आपकी ऐसी बहुत छोटी कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन इसके अंदर जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है वो 3 पॉपुलेशन में बटा हुआ है। ठीक है, 59% डच स्पीकिंग लोग हैं, 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और 1% जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में श्रीलंका के में देखा था कि श्रीलंका के अंदर तो 2 ही 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, बट उनके बीच में दिक्कत परेशानी कुछ ना कुछ बातों को लेकर था ही, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो उसी तरह से बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में कोई दिक्कत परेशानी होगी, कुछ ना तकलीफ होगा, तो वो क्या है वो अब हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखो जिस तरह से पूरे बेल्जियम कंट्री के अंदर डच स्पीकिंग आपका मेजोरिटी में है, मेजोरिटी मतलब जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनको मेजोरिटी कहते हैं, तो पूरे कंट्री में क्योंकि 59% डच है तो इसको मेजोरिटी कह सकते हैं, लेकिन 40% फ्रेंच है तो इसको माइनॉरिटी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना कुछ उल्टा है क्या, कि यहाँ पे जो ब्रुसेल्स की कैपिटल है, ब्रुसेल्स की कैपिटल जो कि आपका सॉरी जो बेल्जियम की कैपिटल है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल जो है आपका ब्रुसेल्स, इसके अंदर 80% लोग आपके ऐसे जो फ्रेंच बोलते हैं और 20% ऐसे जो आपके डच बोलते हैं। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे आपका उल्टा हो रहा है, पूरी कंट्री के अंदर तो सबसे ज़्यादा डच बोलने वाले हैं और फ्रांस कम बोलने वाले हैं, मतलब पूरी कंट्री के अंदर जो डच है वो आपके मेजोरिटी में, फ्रांस जो है वो आपके माइनॉरिटी में, बट जो आपकी बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है उसके अंदर उल्टा है क्या, कि यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले 20% है, यानी फ्रेंच कम है और डच 80% ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो आगे कहता है द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल। ठीक है, अब यहाँ पे जो माइनॉरिटी कहा गया है वो पूरे कंट्री के हिसाब से कहा गया है कि पूरे कंट्री के हिसाब से माइनॉरिटी कौन होगा आपका, ऑब्वियस बात है फ्रांस के लोग होंगे। ठीक है, तो भाई पूरे कंट्री के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन यानी कि जो माइनॉरिटी थी वो आपके फ्रांस के लोगों की थी, बट जिनकी पॉपुलेशन कम थी ना वही सबसे ज्यादा पैसे वाले और पावरफुल लोग थे। मतलब पूरे कंट्री के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन है फ्रेंच लोगों की, बट यही सबसे ज्यादा पावरफुल है, यही सबसे ज्यादा रिच है इन कंपेरिजन टू डच स्पीकिंग लोग जिनकी मेजोरिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या है, इससे क्या कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो ऑब्वियस बात तो हो सकती है। कैसे? सो दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज एज दे गॉट द बेनिफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। देखो भले ही किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है किसकी कम है उससे फर्क नहीं पड़ता है, पैसा जिसके पास है भाई काम उसका पहले होगा। तो भाई पूरी कंट्री के अंदर फ्रांस की पॉपुलेशन कम थी बट यही सबसे ज्यादा पावरफुल और पैसे वाले लोग थे, इसी वजह से इनको जो जो फ्रांस के लोग थे जिनकी पॉपुलेशन पूरे कंट्री के अंदर भले ही कम थी बट इनको जो डेवलपमेंट इनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ और जो अदर बेनिफिट हुए इनको जल्दी मिले हैं। भले इनकी पॉपुलेशन कम थी बट ये पैसे वाले लोग थे पावरफुल लोग थे इसलिए इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन बेनिफिट इनको पहले मिला, बट वहीं पे पूरे कंट्री के अंदर जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी यानी कि डच लोगों की इन्हीं की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेनिफिट एजुकेशन बेनिफिट और अदर जो बेनिफिट हुआ वो काफी लेट हुआ। क्यों? क्योंकि भले इनकी पॉपुलेशन कम है बट ये पैसे वाले लोग नहीं थे, ये पावरफुल नहीं थे, इस वजह से इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफी लेट हुआ है। अब ऑब्वियस बात है अब यहीं पे आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि भाई पूरे कंट्री के अंदर पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा है उसका फायदा बाद में हुआ एजुकेशन को लेकर डेवलपमेंट को लेकर, बट पूरे कंट्री के अंदर पॉपुलेशन जिसकी कम है उसका बेनिफिट पहले हुआ है क्योंकि उसके पास पैसा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या हुआ, दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960। तो ये जो हमने कहानी पढ़ी है 1950 1960 की है, अब क्योंकि 1950 1960 के दौरान फ्रेंच स्पीकिंग के लोग पावरफुल थे भले ही पॉपुलेशन में कम थे तो इनका बेनिफिट ज्यादा हो रहा था, और डच स्पीकिंग की पॉपुलेशन भले ही ज्यादा थी मेजोरिटी में थे बट इनके पास पावर ना होने की वजह से रिचनेस ना होने की वजह से इनका बेनिफिट कम हो रहा था। और जिसके वजह से क्या हुआ 1950 एंड 1960 के बीच में दोनों ही कम्युनिटी के यानी कि जो आपके डच कम्युनिटी है और फ्रेंच कम्युनिटी है दोनों कम्युनिटी के बीच में मतभेद चालू हो जाता है इसी कारण से, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि देयर वर मेजोरिटी ऑफ डच स्पीकिंग इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप ढंग से देखो तो पूरे कंट्री के अंदर 59% डच रहते हैं और फ्रेंच रहते हैं 40%। तो इसी वजह से आपका पूरे कंट्री के अंदर मेजोरिटी किसका हो गया, डच का हो गया मेजोरिटी, और फ्रेंच का क्या हो गया, फ्रेंच का माइनॉरिटी हो गया। बट कैपिटल के अंदर उल्टा है, कैपिटल के अंदर 80% जो लोग हैं वो आपके कौन से हैं, 80% लोग आपके फ्रेंच के हैं। ठीक है, 80% लोग आपके फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच बोलने वाले हैं। तो जहां पूरी कंट्री के अंदर मेजोरिटी डच की है वहीं पे कंट्री का जो कैपिटल है उसके अंदर मेजोरिटी फ्रेंच की है, फ्रेंच बोलने वालों की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सो द कॉन्फ्लिक्ट कुड बी हैपन। ठीक है, तो इसी कारण की वजह से कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा कहीं पॉपुलेशन कम और जिनकी पॉपुलेशन कम है उनका फायदा ज्यादा है, तो इस वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या हो जाता है, मतभेद होना चालू हो जाता है। तो जो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि श्रीलंका के बीच में मतभेद कैसे होता है और वो मतभेद आपका खून खराबे पे और एक सिविल वॉर पे जाके खत्म होता है, बट यहाँ पे जो मतभेद हो रहा है क्या ये मतभेद भी आपका सिविल वॉर में बदलता है, खून खराबा होता है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो देखो हमने यहाँ तक ये देख लिया कि जो आपका बेल्जियम है जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स था तो वो आपके वर्ल्ड मैप पे कहाँ है, इसकी पॉपुलेशन कैसी है, और इसके पॉपुलेशन में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं डच स्पीकिंग लोग हैं और जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं वो किस तरह से आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपको याद हो तो हमने श्रीलंका में भी ऐसी कहानी देखी थी कि वहाँ पे भी आपके दो तीन अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग के लोग रहते थे और उनके बीच में कैसे मतभेद था वो भी हमने देखा था। ठीक है, बट वहीं वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि बेल्जियम के अंदर भी दो तीन लैंग्वेज के स्पीकिंग के लोग आपके अलग अलग रहते हैं, तो क्या इन लोगों के बीच में ही मतभेद होता है या फिर इनकी गवर्नमेंट बनती है वो अलग ही तरह की गवर्नमेंट बनती है जिसमें दोनों ही कम्युनिटी का तीनों ही कम्युनिटी का फायदा होता है, तो वो अब हम देखते हैं। तो अब हमें देखना है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कि यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या कहता है, वो कहता है आपका अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, अकोमोडेशन का मतलब अरेंजमेंट है। ठीक है, कि वहाँ पे किस किस तरह के अरेंजमेंट हैं दोनों कम्युनिटीज को लेके, तीनों ही कम्युनिटीज को लेके, कि कोई मतभेद तो नहीं है, भेदभाव तो नहीं है, फिर सबकी सब कुछ बराबर है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट इसमें कहता है कि बेल्जियम लीडर डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो पहला ही पॉइंट कितनी अच्छी बात इसमें कही गई है, क्या कहा गया है कि भाई बेल्जियम की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने ये डिसाइड किया कि भाई हम क्या करेंगे, हम किसी एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे कि जो अलग अलग रीजन में जो अलग अलग गवर्नमेंट रहते हैं उन सभी की गवर्नमेंट बनेगी ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब श्रीलंका में वहाँ उल्टा हुआ था कि भाई वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सिंहला स्पीकिंग लोग पॉपुलेशन ज़्यादा थी इसलिए उन्हीं की गवर्नमेंट बनी थी और सारे के सारे पॉलिसीज़
पॉलिसीज जो थे वो सिनला के लोगों के फेवर में आते थे। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया कि भले ही फ्रेंच की पॉपुलेशन जो है और जो डच की पॉपुलेशन जो है उनमें डिफरेंस है, बट गवर्नमेंट बनने में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों ही कम्युनिटी के जो लोगों की जो पॉपुलेशन होगी पॉलिटिक्स के अंदर वो इक्वल होगी। यहाँ पे वही बात कहा गया है कि एग्जिस्टेंस जो होगा वो दोनों का इक्वल होगा, कल्चरल के लिए भी और रीजनल के लिए भी, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे आपके। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि 1970 से लेकर 93 के बीच में, बिटवीन 1970 टू 93, दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times, ठीक है, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट फॉर एवरीवन टू लिव टुगेदर। देखो, जब बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हुआ तो 1970 से लेकर 1993 के बीच बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 4 बड़े बड़े चेंजेस किए गए, और चार बार बड़े बड़े चेंजेस बार बार क्यों करने पड़े, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर से बेटर बना के इस तरह से बनाया जाए कि जो बेल्जियम के अंदर जो 3 अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग के लोग रहते हैं उनमें से किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मतलब यहाँ तक ये लोग करने के लिए तैयार थे। तो इनके अंदर भले ही डाइवर्सिटी ज़्यादा थी, बट इनके अंदर कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का इन्होंने रखने की कोशिश नहीं किया। आगे कहता है कि हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल टू लिव टुगेदर। अब देखो, यहाँ पे आपका कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चेंजेस किए गए ताकि सारे मिलजुल के रह सके, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से या फिर किसी और की वजह से। तो हम अब यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई यहाँ के जो रूल रेगुलेशन थे, पॉलिसीज थे, वो कैसे थे और वो सभी कम्युनिटीज़ के फेवर में सच में थे भी या नहीं थे। जैसे हमने देखा था श्रीलंका के अंदर कि जो सिनेला लैंग्वेज के जो लोग थे वो किस तरह से अलग अलग पॉलिसी बनाते थे कि इसके अंदर सिनेला लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उन्हीं को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उन्हीं को एजुकेशन मिलेगा, और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कुछ ऐसी पॉलिसीज के सच में पॉलिसी यहाँ की उस तरह की बनी हुई है जिससे हर किसी को बेनिफिट हो, या फिर यहाँ पे भी सिर्फ फेवर में मेजोरिटी के लोगों के लिए ही था। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। यहाँ पे ये कहता है कि भाई पूरे कंट्री के अंदर भले ही पॉपुलेशन डच की क्यों ना ज़्यादा हो और फ्रेंच की क्यों ना कम हो, या फिर जो कंट्री की जो कैपिटल है उसके अंदर भले ही पॉपुलेशन फ्रांस की ज़्यादा है फिर डच की कम क्यों ना हो, बट इससे गवर्नमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन्होंने ये कहा कि भाई गवर्नमेंट के अंदर जो भी मिनिस्टर्स होंगे, जो भी नेता होंगे, उनके जो नंबर्स होंगे वो फ्रेंच और डच दोनों में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में अगर डच की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डच के जो मिनिस्टर हैं, डच के जो नेता हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भले किसी की पॉपुलेशन कम है, किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट पॉलिटिक्स के अंदर दोनों ही कम्युनिटीज़ के जो नंबर ऑफ लीडर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात इसके अंदर की गई। और दूसरी बात यहाँ पे कहा गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पता है एक आपका होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो एक कंट्री के अंदर जो अलग अलग स्टेट होते हैं उनके लीडर्स होते हैं वो, जिसको हम सीएम कहते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और जो पूरे कंट्री को लीड करता है वो हमारा कौन सा गवर्नमेंट कहलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाता है। तो इन्होंने ये कहा पूरे कंट्री को जो लीड करने वाला जो गवर्नमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों ही के जो लीडर होंगे वो इक्वल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले ये बात जो काफ़ी अच्छी की गई जिससे कोई मतभेद ना हो फ्यूचर के अंदर। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री, थस स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें यह कहा गया कि भाई पूरे कंट्री के अंदर जो आपका एक जो बड़ा गवर्नमेंट माना जाता है, ठीक है, एक जो मोर लीडिंग पावर गवर्नमेंट माना जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसको लेस लीडिंग पावर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि फ्रांस के लोगों बेल्जियम के अंदर क्या कर दिया गया कि भाई जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है वही सेम पावर हर एक स्टेट की गवर्नमेंट को भी दे दिया। इससे क्या होगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने सेंटर से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है। मतलब इन्होंने पावर का कितना अच्छा शेयरिंग किया, मतलब जो भी पावर है उसमें से कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी, सेम पावर। और साथ में इन्होंने जो पावर शेयरिंग की है वो अलग अलग रीजन में भी किया है कि जो पावर डच स्पीकिंग लोगों के पास रहेगी वही पावर सेम फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के पास रहेगी, इससे कोई भी मतभेद नहीं होगा। तो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये आपको देखना है। उसके बाद क्या कहता है, इससे क्या होगा, इससे जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होगी तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार पूछना पड़ेगा। बट क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बराबर राइट्स दिए हैं तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग, अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकती है, इससे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितनी अच्छी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, पावर ऑफ शेयरिंग है, वो कितनी अच्छी हो रखी है। तो आपको धीरे धीरे चैप्टर का जो नाम है पावर शेयरिंग उसका मतलब समझ में आ रहा होगा।
देखो थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या किया कि ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कंट्री हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो अगर आपको याद हो तो बेल्जियम के अंदर जो पूरा का पूरा बेल्जियम है उसके अंदर डच स्पीकिंग लोग आपके मेजोरिटी में, क्योंकि उनकी 59% है, लेकिन वहीं पर जो आपका बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स उसके अंदर जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी 80%, बट वहाँ पे भी क्या किया गया, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स उसके अंदर भले ही फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं बट वहाँ पे भी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उनमें भी जो नंबर ऑफ लीडर होंगे वो इक्वल होंगे। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है तो फ्रेंच के जो लोग होंगे वो ज़्यादा आपके डोमिनेंट्स होंगे या फिर उनकी जो नंबर ऑफ लीडर होगा वहाँ के गवर्नमेंट में वो ज़्यादा होगा। फ्रेंच के अंदर जो आपका बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स उसमें भी यही किया गया कि भाई उसके अंदर भले ही 80% फ्रेंच के लोग हैं और 20% डच स्पीकिंग लोग हैं बट वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पे भी नंबर ऑफ लीडर दोनों ही कम्युनिटी के इक्वल रखे गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे और कौन सी पॉपुलेशन कम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि ब्रुसेल्स की भी अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट है जिसके अंदर दोनों ही कम्युनिटी के क्या है, बराबर इक्वल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि इक्वल जो आपके लीडर्स हैं वो हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि भाई फ्रेंच के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है सेंटर के अंदर। देखो आपको पता है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है किसके अंदर, जो आपकी बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स के अंदर। तो वहाँ पे ही गवर्नमेंट जो बनाई गई वो दोनों ही कम्युनिटी के इक्वल बनाए गए। तो वहाँ के जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ की जो कैपिटल है वहाँ पे तो फ्रेंच के लोगों की जो नंबर है वो ज़्यादा है तो फ्रेंच के लीडर ज़्यादा होना चाहिए, नहीं। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, भले कैपिटल में हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों ना हो बट दोनों ही कम्युनिटी के इक्वल लीडर्स रहेंगे। तो वही सेम चीज़ पूरे कंट्री में भी हुआ कि भाई पूरे कंट्री में भले ही डच लोग बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं बट जो लीडर हैं वो दोनों के इक्वल होने चाहिए। तो इससे ना ही डच के लोगों को प्रॉब्लम हुआ सेंटर के अंदर में, सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बनाने में, और ना ही फ्रांस को प्रॉब्लम हुआ जो आपका कैपिटल है उसके अंदर गवर्नमेंट बनाने में। दोनों ही लोगों ने एक्सेप्ट कर ली सारी बातें। तो दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे साझेदारी थी, अच्छे विचार थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी कम्युनिटी को नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देर इज अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखो अब हमने यहाँ तो समझ लिया कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कैसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे सेंटर के कामकाज को देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो हर एक स्टेट हर एक रीजन जहाँ पे डच स्पीकिंग या फिर फ्रेंच स्पीकिंग या फिर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं वो अपनी कार्यशैली को देखेंगे। तो इस तरह से आपका बट गया पूरा। तो यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है काफ़ी अच्छी हुई है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और स्टेट में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटर हैं बोथ कम्युनिटी के, और सेंटर में भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटर हैं बोथ कम्युनिटीज़ के। तो पावर शेयरिंग काफ़ी अच्छी हो रखी है। बट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट और है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। अब एक कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है ये हम देखते हैं। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय पीपल रिलेटेड टू ईच कम्युनिटी डच फ्रेंच एंड जर्मन। देखो स्टेट गवर्नमेंट जो अपने स्टेट के कामकाज को देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के कामकाज को देखता है। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, तो बेसिकली कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है आपका, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट आपका वो गवर्नमेंट होता है जो अलग अलग रीजन से या फिर आपके ये कह सकते हो जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। अब ये क्या होता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं और इसका काम क्या होता है, इसको कौन कौन से लोग चूज करते हैं, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। देखो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो फोर्थ हमने लिखवाया था पीछे। क्या कहता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। देखो सिंपल सी है, अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें तो पूरे बेल्जियम में जो गवर्नमेंट है वो आपकी ऑलरेडी दो तरह की बन चुकी है, एक है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है आपका स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री से बड़े बड़े इश्यूज को देखेगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक रीजन का अलग अलग इशू होगा उसको देखेगी, भले उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो फ्रांस से रिलेटेड हो या डच से रिलेटेड हो, ठीक है। क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल की हो चाहे गवर्नमेंट स्टेट की हो, दोनों के अंदर दोनों ही कंट्री के लोग नंबर्स में इक्वल है, इसलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पे तीसरे टाइप का गवर्नमेंट और बना रहेगा वो है आपका कॉम्पिटी गवर्नमेंट। अगर कॉम्पिटी गवर्नमेंट क्या है हमें इसे समझना है, तो बेसिकली ये जो आपका कॉम्पिटी गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट क्या किया गया कि ये गवर्नमेंट ना तीनों ही रीजन के, यानी कि तीनों ही लैंग्वेजेस बोलने वाले जो लोग थे, एक आपका डच स्पीकिंग लोग जो थे, एक आपका फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे, एक और एक जर्मन स्पीकिंग जो लोग थे, इन तीनों की जो कॉम्पिटी गवर्नमेंट थी वो अलग थी, मतलब डच की अपनी अलग कॉम्पिटी गवर्नमेंट,
फ्रांस की अपनी अलग गवर्नमेंट, जर्मन की अपनी, जर्मन बोलने वाले लोग की अपनी एक अलग फ्रेंच गवर्नमेंट, भले ये डच, फ्रेंच और जर्मन लोग पूरे कंट्री के अंदर कहीं भी रहते हो, बट इन सभी की गवर्नमेंट एक ही बनेगी। ऐसा क्यों? जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था, इनका मेन काम था कि क्या करेंगे कि उनके रिलेटेड जो कल्चर होगी, जो एजुकेशन होगी, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, वो खुद सॉल्व करेंगे। मतलब डच स्पीकिंग जो लोग हैं उनके अंदर कल्चर प्रॉब्लम हो, एजुकेशन प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी तरह की लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो उनके रीजन से रिलेटेड, उनके लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो कौन सॉल्व करेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। सेम उसी तरह से अगर फ्रांस के अंदर कोई, फ्रांस के लोगों के बीच में कोई मतभेद है, झगड़े हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, या कोई भी अदर एजुकेशन प्रॉब्लम है, तो वो फ्रांस की कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी। और जर्मन के जो लोग हैं, अगर उनके बीच में कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, या जर्मन के अंदर कोई आपका इस तरह का एजुकेशन प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, कोई कल्चरल प्रॉब्लम ही है, तो वो जर्मन की कम्युनिटी प्रॉब्लम देखेगी। तो जो कम्युनिटी प्रॉब्लम थी वो तीनों ही डच, फ्रेंच और जर्मन की अलग अलग थी। और जो डच की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी वो डच के लोग चूज करेंगे, फ्रेंच की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी वो फ्रेंच के लोग चूज करेंगे, और जर्मन की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी वो जर्मन के लोग चूज करेंगे। इससे तीनों की अपनी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। उनका काम ये होता था कम्युनिटी गवर्नमेंट का कि इनके जो कम्युनिटी में जो भी दिक्कत परेशानी है वो ये सॉल्व करते थे। और बाकी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका काम ये था कि भाई हर एक रीजन के अंदर जो अलग अलग लोग रहते हैं उनकी जो दिक्कत परेशानी है वो सॉल्व हो, भले वो फ्रेंच से रिलेटेड हो, डच से रिलेटेड हो, जर्मन है उससे रिलेटेड हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह का पूरा जो गवर्नमेंट है वो एक बना आपका किसके अंदर? बेल्जियम के अंदर। तो देखो यहाँ तक जो गवर्नमेंट बना है इसको देख के हमें ये समझ में आता है कि जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है, जो उसका स्ट्रक्चर हो, काफी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ऐसा होना जरूरी है भाई, गवर्नमेंट जितना कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ के लोगों को उतना बेटर होगा। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स बना तो लोगों को बेटर होगा, कॉम्प्लेक्स मतलब यही गवर्नमेंट ऐसा बने कि वहाँ के लोगों के फेवर में, वो कोई भी आपका किसी एक के फेवर में ना हो, अनलिटरली ना हो, सबके फेवर में हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो बेल्जियम के लोगों ने अपना गवर्नमेंट का मॉडल ऐसा क्रिएट किया कि भाई यहाँ पे भले ही फ्रेंच लोग हो स्पीकिंग, चाहे आपके जर्मनी स्पीकिंग लोग हो, चाहे फिर डच स्पीकिंग लोग हो, सबको ही बराबर राइट्स मिले, किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई मतभेद ना हो, ये सोच के बेल्जियम के लोगों ने कुछ ऐसा गवर्नमेंट बनाया। अब भले ही गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स बन गया लेकिन ये सबके फेवर में था, तो इससे कोई मतभेद लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस काफी कम थे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि दीज अरेंजमेंट हैव वर्क्ड वेल सो फार टू अवॉइड सिविल स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कंट्रीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। यहाँ पे कहता है कि भाई ऐसा भले ही अरेंजमेंट आपका काफी कॉम्प्लेक्स हो गवर्नमेंट का, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट करना जरूरी था ताकि फ्यूचर में कोई भी सिविक स्ट्राइक, यानी जो वहाँ के नागरिक रहते हैं उनके बीच में कोई संघर्ष ना हो, कोई मतभेद ना हो, तो ऐसा करना जरूरी था। और जो आपके दो मेजर है, मतलब डच स्पीकिंग और जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग है, उन दोनों मेजर कंट्री के बीच में आपस में कोई मतभेद ना हो, इस वजह से ऐसा गवर्नमेंट जरूरी था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्हेन मेनी यूरोपियन कंट्रीज केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। देखो ब्रुसेल्स ने इतनी ज़्यादा तरक्की की, इतने ज़्यादा कन्वर्जन किए, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट बनाई, बट यहाँ पे सारी शांति बनी रही। और जब आधा जो यूरोपियन कंट्रीज थी, सारी यूरोपियन कंट्री मिलकर ना अपना एक मान लो एक गट बनाना चाहती थी, एक संगठन बनाना चाहती थी, तो सारे के सारे जो आसपास की यूरोपियन गवर्नमेंट है जो वो अपना एक गठ बनाना चाहती था, और उसके लिए उन्होंने हेडक्वार्टर किसको चूज किया? ब्रुसेल्स को चूज किया। मतलब ब्रुसेल्स की जो गवर्नमेंट थी वो इतनी बेटर थी, इतनी पावरफुल थी कि बाकी यूरोपियन गवर्नमेंट का जो एक संघ बना उसको हेडक्वार्टर किसको चूज किया गया? ब्रुसेल्स को चूज किया गया। तो ब्रुसेल्स आपकी इतनी पावरफुल कंट्री, मतलब पावरफुल तो नहीं बट इतनी वेल मेंटेन्ड कंट्री आपकी बन गई थी, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ही इतनी अच्छी थी, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होने दिया। अब देखो तो अब क्वेश्चन ये है कि ब्रुसेल्स की और श्रीलंका की कहानी से हम क्या समझते हैं? अगर आपने श्रीलंका वाला वीडियो भी देखा हो तो कंपैरिजन करने में आसानी होगा। देखो जहां हमने श्रीलंका की कहानी में देखा था कि श्रीलंका के अंदर भी आपके दो मेजर लैंग्वेज स्पीकिंग के लोग रहते थे, एक सेनल लैंग्वेज जो 74% थे और एक आपका तमिल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जो सेनल लैंग्वेज के जो लोग थे उनकी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेनल लोगों की ही गवर्नमेंट बनाई, जिससे क्या हुआ जब सेनल लोगों ने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूरे कंट्री के अंदर ऐसे रूल रेगुलेशन निकाले जो सेनल के फायदे में ही हो, जिससे क्या हुआ जो आपके अदर कम्युनिटी के जो लोग थे, जो आपके तमिल कम्युनिटी के जो लोग थे, उनको नेगलेक्ट होना चालू हो गया और उनको ऐसा लगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, जिससे सेनल स्पीकिंग लैंग्वेज और तमिल स्पीकिंग लैंग्वेज के बीच में काफ़ी मतभेद होने लगा, लड़ाई झगड़ा खून खराब होने लगा, सिविल वार तक होने लगा, जिससे काफ़ी दिक्कतें परेशानी हुई और वहाँ पे अनइक्वलिटी हुई। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स के अंदर भी आपके डच स्पीकिंग लोग रहते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, डच स्पीकिंग लोग की जो पॉपुलेशन है वो आपका पूरे कंट्री के अंदर ज़्यादा है, बट सेंटर के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा है। अब यहाँ के लोग चाहते तो यहाँ के लोग भी ऐसा कर सकते थे कि भाई जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए पूरे कंट्री के अंदर डच की ही गवर्नमेंट बनाएंगे और डच ऐसा पॉलिसी बनाएंगे जो डच के फायदे में हुई। बट डच के लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो सभी के फेवर में होना चाहिए। तो उन्होंने अपना गवर्नमेंट बनाया अलग अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग बनाया,
आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बनाया, फिर कॉमेडी गवर्नमेंट अलग बनाया, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर रखी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर रखी, कॉमेडी पावर की अलग गवर्नमेंट रखी। और ऐसा नहीं है कि सेंटर हो चाहे स्टेट हो चाहे कॉमेडी गवर्नमेंट हो, सब में ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके मेजर मेजोरिटी वाले जो लोग थे, यानी जो आपके डच मेजोरिटी के जो लोग थे उन्हीं के लीडर हो, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसमें भी सारे लीडर आपके इक्वल होंगे, चाहे वो आपके डच स्पीकिंग हो चाहे फ्रेंच स्पीकिंग हो। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे कॉमेडी गवर्नमेंट को हम छोड़ दें, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लीडर थे जो दोनों ही कॉमेडी के, फ्रेंच कॉमेडी और डच कॉमेडी के इक्वल थे, ताकि दोनों में से किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो सके। अब देखो श्रीलंका के अंदर क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं हुआ, जो सारे के सारे पावर्स थे, बड़े बड़े पावर चाहे गवर्नमेंट बनाने का पावर हो चाहे डिसीजन लेने का पावर हो, कोई पावर हो, सारे के सारे पावर एक ही तरह के लोगों के हाथ में थे, किसके हाथ में, सिनेला स्पीकिंग लोगों के हाथ में। इसी वजह से वहाँ के जो लोग पॉलिसी निकालते थे वो सिर्फ सिनेला के फेवर में निकालते थे, इससे बाकी जो कमेटी के लोग थे उनके साथ भेदभाव होता था। बट ब्रुसेल्स के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जो पावर शेयरिंग की गई वो सबके अंदर बराबर की गई, कि सेंटर के पास जो पावर होगा वही पावर स्टेट के पास भी होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई कोई भी अगर कल को डिसीजन लेता है तो ऐसा नहीं है कि भाई डच के लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डच सिर्फ अपने ही फेवर में कोई डिसीजन ले लेंगे, इससे जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग है उसका नुकसान हो जाएगा, ऐसा उन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या किया, पावर शेयरिंग कर दिया कि हर एक कम्युनिटी के लोगों के जो नंबर रखे हर एक गवर्नमेंट के अंदर वो इक्वल रखे, ताकि कल को जो भी डिसीजन हो वो सबका फेवर में हो। तो इससे क्या हुआ, पावर शेयरिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी हुई। तो अब तक यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि पावर शेयरिंग होना क्यों ज़रूरी है। जहाँ पे श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो वहाँ पे जो आपके माइनॉरिटी के लोग थे उनके साथ भेदभाव हुआ, बट बेल्जियम के अंदर क्योंकि पावर शेयरिंग सबके साथ इक्वल था, सबको इक्वल पावर मिला हुआ था, इस वजह से यहाँ पे कोई भी मतभेद लड़ाई झगड़े नहीं हुए और दोनों कम्युनिटी का कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं हुआ। तो यहाँ तक हमें काफ़ी कुछ समझ में आता है कि पावर शेयरिंग होना क्यों ज़रूरी है। श्रीलंका और ब्रुसेल्स की कहानी देखिए। अब इससे आगे के जो पॉइंट्स हैं, आगे के जो क्लासेस हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।